Hello students, welcome to you again in our class. Today we are going to discuss our new different topics, different terminology जो कि आज तक आपने 10th standard तक discuss नहीं की है. Last video में आपने जो discuss किया था वहां पर आपने बेटा close open interval तक subsets तक number of subset के बारे में discuss किया था. आपके पास One thing is left from the last video, that is student power set. ठीक है ना, आपके पास एक चीज बची थी power set. ठीक है ना, power set होता क्या है बेटा? हम sets जो आपको भी पता है, हम sets को discuss कर रहे हैं. Power set होता क्या है? एक्चुअली स्कूल स्टूडेंट्स, MR स्कूल है आपके पास, इसको अगर आपने यूनिवर्सल सेट लिया, अगर दिस इज योर MR स्कूल, ठीक है ना, दिस इज योर MR स्कूल एंड देयर आर द क्लासेस, यहाँ पर आपके पास क्या है, क्लासेस हैं, देन हम क्या करते हैं, असेंबली जब सुबह होती है आपके स्कूल में, आपकी स्कूल की असेंबली में ऐसे रो बनती है, ठीक है ना, वो रो कैसे होती है बच्चे, क्लास वाइज आपकी रोज बनती है. तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ दे ऑल आर द सबसेट्स ऑफ द MR स्कूल एंड सच कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सेट इज सेड टू बी द पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट. यानी कि हम डिफाइन कैसे करेंगे यहाँ पर, लेट इन A B any non-empty set, A B any non-empty set, then its power set, then its a power set होगा is denoted by, ठीक है ना, is denoted by P of A, P of A होगा क्या इस P of A के अंदर, ठीक है ना, इसको आप कहेंगे क्या, ठीक है ना, P of A यानी कि is defined as the collection of all subsets of set A. A के सभी subsets की collection को आप क्या कह देंगे, पावर सेट कह देंगे. यानी कि इसको आप ऐसे डिनोट करेंगे P of A is equals to capital X, where X is a subset of A, is a subset of A. इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को आप P of A कह देंगे. अब स्टूडेंट्स बात आती है क्या कि नंबर पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए इज इक्वल टू बेटा 2^n क्यों होंगे, क्योंकि पावर सेट के अंदर आपके पास है तो सबसेट ही, ठीक है ना, है तो सबसेट ही. एक अगर मेरे पास ए सेट के पास इन एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे बेटा, 2n बनेंगे. वो 2n सारे के सारे पी ए लिए प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए आपके पास क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा. एक और स्टूडेंट बात आपके लिए है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, क्या है यूनिवर्सल सेट. वैसे तो आपको भी पता है यूनिवर्सल सेट, नाम से ही पता चलता है यूनिवर्सल, ठीक है ना, आपको भी पता है. जैसे हमें पता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आती है आपकी स्टेट, स्टेट के बाद आती है कंट्री, कंट्री के बाद आती है आपकी वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बाद कौन आता है, यूनिवर्स. अगर मैं आपसे कहूँ यूनिवर्स के आगे क्या आता है, नथिंग, यू डोंट नो, ठीक है ना, हमें भी नहीं जानते एक्चुअली यूनिवर्स के बाद आता क्या. उसी से रिलेटेड आपके पास यूनिवर्सल सेट, यानी कि एक ऐसा सेट आपके सामने जिसके सामने आप कोई भी एक सेट लेकर अगर आते हैं, कितना भी बड़ा कैसा भी सेट ले आए, वो उस पर्टिकुलर सेट का हमेशा सबसेट ही रहेगा, उसको वो क्रॉस नहीं करेगा. सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट, आप इस दुनिया में जितने भी सेट बना पाए वो हमेशा इससे डाउन ही रहेंगे, वो कभी भी इसे अप नहीं जा पाएंगे. तो ऐसे सेट को आप क्या कह देंगे, यूनिवर्सल सेट कह देंगे. कैसे, इसकी डेफिनेशन ठीक है ना, लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी
non-empty set, A B N E non-empty set, ठीक है ना? Then, ठीक है ना? A is always contained in U. A is always contained in U, ठीक है ना? अगर आपके पास ये आपने A लिया और ये A हमेशा U के अंदर contained है, so we can say that your U is your universal set. अभी मैंने आपके सामने कहा कि मैंने MR school को universal set लिया और ये यहाँ पर ये क्या थे, इसके सारे subsets थे. अब आप ही बताइए, अगर मैंने MR school को universal set लिया है, तो universal set मैंने MR को लिया है, तो इसके subsets कौन होंगे, सारी classes होंगी. क्या मैं MR स्कूल के अंदर से कोई एक ऐसा सेट दिखा सकती हूँ जो कि मेरा स्कूल से बाहर मिलेगा? नहीं मिलेगा. सो ऐसा ही सेट आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा. स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपने नंबर थ्योरी में, ठीक है ना, सम ऑपरेशंस को आपने डिस्कस किया, लाइक आपने एडिशन को डिस्कस किया, सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन को डिस्कस किया, सो मेनी ऑपरेशन यू हैव डिस्कस्ड इन नंबर थ्योरी. स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेट थ्योरी. ओके, हम सेट थ्योरी डिस्कस करेंगे, तो इस सेट थ्योरी के अंदर भी आप डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस को. तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आएगा, हम सेट्स को कैसे एड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स सेट के लिए स्पेशल आपके पास ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हम डिस्कस करेंगे अभी ऑपरेशंस, ठीक है ना, ऑन सेट्स. सेट्स के ऊपर आप ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो ऑपरेशन होगा हम वो डिस्कस करेंगे यूनियन, ठीक है ना, हम डिस्कस करेंगे यूनियन. जब आप किसी भी नंबर नंबर थ्योरी में आप ऑपरेशन यूज करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, आपको हमेशा एटलीस्ट टू नंबर चाहिए. एटलीस्ट आपको टू नंबर तो चाहिए ही चाहिए, टू और फोर ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग देम. इसके लिए आपको भी चाहिए ऐसे ही, लेट ए एंड बी, ठीक है ना, आर टू नॉन एम्प्टी सेट, आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है ना, देन देयर यूनियन इज डिफाइंड एज ए यूनियन बी. हम यूनियन ऑफ टू सेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ए दिस इज द यू, बी मींस ए यूनियन बी होगा क्या, ये इस तरीके से होगा, यहां पर एलिमेंट आएंगे, कोई भी एक्स टाइप का एलिमेंट आएगा, या तो ये एक्स आपका ए से होगा या फिर एक्स आपका कहां से होगा, बी से होगा, या आपका एक्स ए से आएगा या बी से आएगा. बेसिकली बेसिक सी मैं आपको छोटी सी बात अगर बताऊं, यूनियन में आपके पास सपोज ए सेट ये है और बी सेट ये है, मैं इन दोनों का यूनियन अगर मैं करना चाहती हूँ, तो स्टूडेंट मैं सारे तो इसके एलिमेंट ले लूंगी, सारे मैं इसके एलिमेंट ले लूंगी, और जो मेरे पास जो कलेक्शन, जो एक कंबाइंड कलेक्शन बनेगी बेटा, उसको आप यूनियन बोल देंगे. क्या बोल देंगे आप, यूनियन बोलेंगे. जब भी आपको कई बार होता है ऐसा है, कुछ आपके छोटी मोटी अगर सपोज 11th स्टैंडर्ड की कुछ मीटिंग्स करनी पड़ जाती हैं, समटाइम्स साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों सेक्शंस को कंबाइन करना पड़ता है, उस समय स्टूडेंट्स वो यूनियन होता है. क्या होता है, यूनियन होता है. समटाइम्स ऐसा होता है आपको मोटिवेट करने के लिए, या कुछ कंबाइंड क्लास अगर लेनी पड़ जाए, सपोज इंग्लिश क्लास होती है, मैथ्स क्लास होती है, वहां पर आपकी दो क्लासेस को मर्ज कर दिया जाता है, तो वो एक तरीके से आपका क्या होता है, यूनियन होता है. गॉट इट स्टूडेंट. अब जैसे आप सेट थ्योरी को डिनोट कर सकते हो, बट देखो कई बार सुना भी होगा कि शो शब्दों से ज्यादा एक तस्वीर बोल देती है, ठीक है ना, पिक्चर्स ज्यादा बोलती हैं एज कंपेयर टू योर वर्ड्स. तो हम इन चीजों को पिक्टोरियल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, ठीक है ना. सपोज दिस इज योर, जो आप रेक्टेंगुलर की शेप में लेंगे हमेशा, वो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा. रेक्टेंगुलर की शेप में क्या होगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट. यहां पर आपने एक सेट ए लिया है,
एक सेट आपने बी, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। अगर ये आपके पास दो सेट है, जरूरी नहीं है ऐसे ही है, आपके पास ये इस तरीके से भी हो सकते हैं, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। अगर कोई कह दे भी ए यूनियन बी, बताओ क्या होगा? बेटा ए यूनियन बी, अभी अभी आपने कहा है कि सारे एलिमेंट्स ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर सेड टू बी ए यूनियन बी, ये आपके पास क्या कहलाया जाएगा? ए यूनियन बी। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल भी लू, सपोज एक है मेरे पास, यहाँ पर एलिमेंट है इस टाइप के, और अगर स्टूडेंट बी एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट है इस टाइप के, आप चाहते हैं कि ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी के लिए स्टूडेंट, आपके लिए मैं सबसे आसान तरीका बताऊं, सारे के सारे एलिमेंट आप ए के राइट कर लें, ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, देन यू नीड टू राइट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। आप लिखना चलेंगे, आप वन लिखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि वन तो ऑलरेडी है, अगर ऑलरेडी हम वन नहीं लिखेंगे, फिर आप टू पर चलेंगे, टू देखेंगे ऑलरेडी आप टू भी नहीं लिखेंगे, आप चलेंगे थ्री पर, थ्री देखेंगे नहीं आप लिख देंगे इन द सेम, या फोर भी डाउन करेंगे, नोट डाउन कर देंगे यहाँ पर, यानी कि ए के भी सारे एलिमेंट है, यहाँ पर बी के भी एलिमेंट है। एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप यूनियन को लिखें तो उस समय हो सकता है कुछ एलिमेंट रिपीट हो, जैसे ये वन टू यहाँ पर भी था, वन टू यहाँ पर भी था, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड व्हाइल यू आर गोइंग टू राइट द सेट, क्योंकि एक बेवकूफी सी लगती है, ठीक है ना, हम सेम चीज को बार बार लिख रहे हैं, ये अच्छा नहीं है और अलाउड भी नहीं होता। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग ए यूनियन बी। अब कुछ प्रॉपर्टीज है ए यूनियन बी की, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इस तरीके से है, जैसे आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप बात करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास सेम रहेगी, ठीक है ना, कैसे रहेगी, ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए कर लो, आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास एसोसिएटिव, वही सेम चीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी, आप या तो ए यूनियन करके बी यूनियन सी, या फिर ए यूनियन बी आप पहले निकालें उसके बाद सी के साथ यूनियन लें, ठीक है। थर्ड थिंग आपके पास आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो चुकी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो चुकी है, अगर आप स्टूडेंट ये कहें, ठीक है ना, एक तरीके से मैं इसको नल प्रॉपर्टी का अगर मैं नाम दूं तो ये गलत नहीं होगा। कैसे स्टूडेंट, अगर आप कहो ए का यूनियन फाई के साथ लो, या आप फाई का यूनियन ए के साथ लो, स्टूडेंट्स आपका सेट वापस ए ही आएगा, क्योंकि फाई इज नल सेट, फाई में तो कुछ है ही नहीं, जिसके पास कुछ भी ना हो और वो किसी दूसरे के साथ जाके गए कि मैं तुझसे साझा ही करूंगा, और साझा करने के बाद जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा जो दूसरे वाले का था वही सेम आ जाएगा आपके पास। एक और चीज आती है यहाँ पर आइडेंपोटेंट लॉ, आइडेंपोटेंट लॉ, आइडेंपोटेंट लॉ का मतलब है स्टूडेंट्स ए का यूनियन अगर मैं ए के साथ ही करूं तो मेरा वापस क्या आएगा, ए ही आएगा, यानी कि या ये भी ए ले लिया आपने, ये भी ए ले लिया, एक सारे एलिमेंट आपने ए के लिख लिए, फिर आप चलते हो सारे एलिमेंट आप दूसरे ए के लिखने, आपको पता सेट सेम है तो स्टूडेंट्स आपके पास एलिमेंट्स भी सारे के सारे सेम होंगे, और आपको पता है यू नीड नॉट टू राइट द एलिमेंट अगेन, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके पास ये रहेगा, दिस इज योर द यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब जो आपका जो सेकंड ऑपरेशन है वो है आपका इंटरसेक्शन का, ठीक है ना, हम सेकंड पर चलते हैं इंटरसेक्शन। देखिए आपका जो सेकंड ऑपरेशन है स्टूडेंट्स वो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन सेम है ऐसा ही, सेम वही लेंगे लेटर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देयर इंटरसेक्शन, देयर इंटरसेक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, इज डिफाइंड एज ए
इंटरसेक्शन भी इस तरीके से, वहां पर सीधा यू था एक तरीके से देखो, और यहाँ पर आप बोल देंगे उल्टा यू। बेटा ये उल्टा यू नहीं होता, दिस इज द सिंबल, ठीक है ना, विच रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन। होगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर वो एक्स एलिमेंट आएंगे, या एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक तरीके से वो एलिमेंट आएंगे विच बिलोंग्स टू बोथ द सेट, एक्स ए से भी आएगा और एक्स बी से भी आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप इंटरसेक्शन कर देंगे। अगर मैं आपको वेन डायग्राम से मैं बताऊं तो स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, आपने वो एलिमेंट लेने हैं यहाँ पर जो ए में भी है और कहाँ पर है बी में भी है, तो आप देखेंगे कि जो ये वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये वो कॉमन यहाँ पर एलिमेंट है जो आपके पास ए सेट के अंदर भी है और आपके पास बी सेट के अंदर भी है, तो स्टूडेंट्स इसको आप बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी आप बोल देंगे, ठीक है ना, यानी कि आपने वो एलिमेंट लेने होते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर हों। तो अब मैं अगर यहाँ पर कहूँ एक एग्जांपल से आपको बताऊं होता क्या है, वही मैं सेम लेती हूँ, वन टू एक्स वाई आपने ए सेट लिया, आपने बी सेट लिया वन टू थ्री फोर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप ए इंटरसेक्शन बी अगर राइट करेंगे तो आप, मैंने अभी अभी आपको बताया आपने यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स यूज करने होते हैं, कॉमन तो जो दोनों में सेम, आप देखेंगे वन दोनों में कॉमन है, टू दोनों में कॉमन है, लिखा वन भी टू भी, क्या इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, वन एंड टू, सिर्फ दो एलिमेंट आपके पास आएंगे। अब बात आती है डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस ऐसे जैसे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम यूनियन की तरह ही है, सेम कॉम्यूटेटिव लॉ ऑब्वे करेगा, एसोसिएटिव करेगा, नल में क्या हो जाएगा, जब आप नल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, ए का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ करेंगे तो बेटा फाई आएगा, ठीक है, यानी कि एक तो आपके पास खाली और एक भरा हुआ, दोनों में अगर कॉमन आपने निकाला तो खाली ही आएगा, तो ये चेंज हो जाएगी, आइडेम्पोटेंट लॉ सेम आएगा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है डिफरेंस, ठीक है ना, आप यानी कि आप एलिमेंट का डिफरेंस कैसे निकाल पाओगे, सेट के अंदर डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेम चलेगा ए एंड बी टू ऑन एन एम्प्टी सेट, देन देयर डिफरेंस इज डिफाइंड, आपके पास डिफरेंस को डिफाइंड ऐसे करेंगे, ए माइनस बी क्या होगा, एक्स के एलिमेंट वो आएंगे जो ए में तो हैं लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आप कैसे डिफाइन करेंगे, ए माइनस बी व्हेन अ एंड बी बोथ आर योर नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक्स ए में जाएगा बट एक्स आपका बी में नहीं होगा, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से वेन डायग्राम से अगर मैं डिस्कस करूं, ठीक है, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, इसने कहा कि ए के वो एलिमेंट मुझे लेने हैं जो बी में नहीं होंगे, यानी कि अगर मैं ये ए सेट लिया और ये बी लिया तो जिसको मैं शेडेड कर रही हूँ बेटा वो पोर्शन है मेरे पास सेट ए का जो मेरे एलिमेंट है वो सिर्फ ए के हैं, बी के नहीं, अगर मैं ये वाला पोर्शन भी लेती हूँ तो ये मेरे बी के एलिमेंट आ जाते हैं जो कि इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, इसलिए मैं ये वाला शेडेड पोर्शन लूंगी जो कि मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी को। सेम एग्जाम्पल से अगर मैं आपको ए माइनस बी समझाऊं तो स्टूडेंट अगर ए सेट के पास है वन टू थ्री फोर, ठीक है, और बी सेट के अगर पास है वन टू यहां था मैं एक्स वाई और यहां था थ्री फोर, स्टूडेंट्स आप ए माइनस बी यहां पर राइट डाउन करेंगे, ए माइनस बी आप बी का एलिमेंट लेकर जाएंगे, यहाँ पर क्या बी का एलिमेंट लेकर जाएंगे, वन गया, वन आपने देखा यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है बेटा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन ए वन को क्या कर दिया कैंसिल, फिर टू जाएगा, टू ए टू को क्या कर दिया कैंसिल, अब थ्री जाएगा, थ्री देखा होगा कोई कैंसिल नहीं होगा, थ्री वापस आकर बैठ जाएगा, फोर जाएगा एम आई को कैंसिल नहीं करेगा वापस बैठ जाएगा, ए माइनस में बचा गया सिंपल एक्स एंड वाई, सिंपल एक्स एंड वाई, अगर मैंने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया है,
आफ्टर कैंसलिंग आउट द एलिमेंट, जो लेस स्ट्रेस्ड ऑफ द एलिमेंट है सेट ए के वही लिखे जाएंगे, ना कि बी के। अगर मैं यहाँ पर इसी चीज को वेन डायग्राम से भी आपके सामने अगर मैं दिखाऊं तो देखो ये मेरे पास सेट है, सपोज ये एक्स वाई एलिमेंट है, ये मेरे पास वन टू है, से मेरे पास क्या है, मेरे पास है मेरे पास वन टू थ्री फोर, ये मेरे पास है, ये मेरे पास इधर ए सेट है, ये बी सेट है। ए माइनस बी को अगर मैं कहूं, आप इसी के अकॉर्डिंग आप देखें ए माइनस बी, आपने देखो आपने वो एलिमेंट लेने होते हैं जो बी के नहीं है, सिर्फ ए के हैं, सिर्फ ए के क्या है आपके पास ये वाला पोर्शन होता है, और इस वाले पोर्शन में क्या है सिंपल ए माइनस बी, यानी कि सिंपल दो ही एलिमेंट है एक्स माइनस वाई। अगर आप b माइनस ए करेंगे तो आपके पास 3.4 आपको मिलेगा यहाँ पर। स्टूडेंट्स एक लास्ट थिंग आज के लिए मैं आपके सामने बताना चाहूंगी, वो ये कि आपने अभी तक जो डिस्कस किया ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट होता है, यहाँ पर सेट ए था, ये सेट बी था मेरे पास, दिस वॉज योर इंटरसेक्शन, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट्स मैं अलग अलग करती हूँ, ये जो चीज है मैंने रेड जो मैंने यहाँ पर शेडेड किया है, दिस इज योर ए माइनस बी स्टूडेंट्स, एंड लास्ट यहाँ पर जो है मेरे पास जो मैंने ग्रीन से शेड किया है, दिस इज योर बी माइनस ए स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखते हैं ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, सारे बिल्कुल अलग अलग है, एक बाउंड्री सबके बीच में है, कुछ भी चीज को मन नहीं है। तो बेटा आप इनको ना डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, हूज इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, हूज इंटरसेक्शन इज 5, जिसका 5 हो, यानी कि इंटरसेक्शन क्या हो, नल सेट हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो स्टूडेंट्स इसको आप क्या बोल देंगे, नल सेट। जहां पर इंटरसेक्शन में आया है तो इनको आप क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आप इन जो मैंने आपके सामने अभी कंसेप्ट कुछ डिस्कस किए हैं इनको आप प्रॉपर तरीके से आप अपने नोट्स तैयार करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस आप सभी सॉल्व करेंगे, इनको बार बार अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर कर पा रहे हैं तो मीन्स आप कंसेप्ट को आपने समझा है, अदरवाइज आप नहीं समझ पाए हो। इंटरसेक्शन यूनियन आर नॉट सो हार्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर नॉट सो हार्ड, मेक मोर प्रैक्टिस, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, हैव अ गुड डे।